to start was very important topic regarding your similar triangles. एक सबसे important topic है जो result है ना आपका result के लिए जो exam में बहुत important होता है. तो आपको मेरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में फिर आपको रिजल्ट बताया बता रहे हैं आपको उस रिजल्ट को आपको क्या करना है और फिर उसको एप्लीकेशन कराएंगे आपको. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सबसे पहला देखिए रिजल्ट इसका क्या है. कोई अगर ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, प्रूव दैट. देखिए कोई उसके फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन बताते हैं. ठीक है, क्या लिखा है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग साइड्स. ओके, क्रॉसपोंडिंग साइड्स. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट से समझाते हैं. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ द पैरीमीटर. पैरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री. ठीक है, कोई भी किसी का भी फिगर का बाउंड्री को हम लोग लेंथ ऑफ बाउंड्री को कहते हैं पैरीमीटर कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो ट्रायंगल दिया हुआ आपका दोनों सिमिलर दिया हुआ है. ये तो आपका ट्रायंगल है. ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और एक और ट्रायंगल है. ठीक है, एक और ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है. ठीक है, ए बी सी हो गए, सॉरी इसको इधर लिख देते हैं. ये है आपका ए है, ये है बी है, और ये है सी है, ये है पी है, ये है क्यू, और ये है आर. ठीक है, दोनों कैसा है, सिमिलर. ठीक है, दोनों क्या है, सिमिलर है. सिमिलर का मतलब आपको पता होगा कि इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा क्या होगा, सब प्रोपोर्शनल होगा. मतलब ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, और ए सी बाई पी आर, ये सारा चीज़ होगा आपका. ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो जितने भी रेशियो होगा सारा जो रेशियो होगा वो आपका जो है किसका इक्वल होगा, उसका पैरामीटर का इक्वल होगा. मान लेते हैं ये ए, देखिए यहाँ ए है तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये बी है तो ये क्या होगा स्मॉल बी, और ये सी है तो ये क्या होगा स्मॉल सी, और ये आपका हो जाएगा पी. ठीक है, ये आपको ले लेते हैं पी, ये हो जाएगा स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा स्मॉल आर. ठीक है, ये स्मॉल पी है. तो ये सारा डाटा दिया हुआ है आपका. अब यहाँ पे देखिए आपको जो डाटा दिया उसको हम लिख देते हैं गिवन. गिवन में क्या है आपका, गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर ये दिया हुआ है. टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है क्या इसमें ए बाई पी, क्या प्रूफ करना है, ए बाई पी इक्वल्स टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू सी बाई आर इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी पैरामीटर होगा इसका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस. इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये आपका दिया हुआ है आपका. उसके बाद जो है यहाँ से प्रूफ अब लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ. देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक चीज कि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका क्रॉसबॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, मीन्स क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स ऑफ क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट. ठीक है, we know that crosspoint of a similar triangle are proportional. अब ये आपको मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा, देखिए तो ए बी बाई क्या होगा पी क्यू, और बी सी बाई क्या होगा क्यू आर, और ए सी बाई क्या हो जाएगा पी आर. ये आ गया आपका. ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं. ए बी का वैल्यू क्या है देख लीजिए आप, ए बी का वैल्यू क्या है उस चीज को देख लीजिए आप. ए बी का कितना है देखिए ए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई पी हो जाएगा, फिर बी बाई क्यू, और फिर क्या हो जाएगा सी बाई आर.
ये आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए बाई पी ये आ जाएगा, और बी बाई क्या आ जाएगा क्यू, और सी बाई क्या आ जाएगा आर। हमको देखो ये भी प्रूफ करना है, कौन सा चीज, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या है पी क्यू आर। यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, एक किसको, एक रेशियो क्वांटिटी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं के ले लेते हैं। तो बताइए ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बताइए ए इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिखते हैं ए बाई पी इक्वल्स टू के। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पी के आ गया। फिर बताइए बी बाई क्यू इक्वल्स टू के, सो यहाँ से बी इक्वल्स टू क्या आएगा क्यू के। और उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग जो है ए बाई बी हो गया, बी बाई क्यू हो गया, फिर क्या 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 बच गया सी बाय आर। सी बाय आर इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं के, यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, सी इक्वल्स टू क्या आ गया आर के। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पैरामीटर का मतलब हो गया क्या, बाउंड्री का सारा का लेंथ। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। सारे का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ए का वैल्यू कितना देख लीजिए आप, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए आप। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका पी के, ए इक्वल्स टू दिया हुआ आपका पी के, बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ देख लीजिए बी इक्वल्स टू क्यू के, एंड सी इक्वल्स टू क्या दिया बताइए सी इक्वल्स टू आर के। ये है सी इक्वल्स टू आर के, बाय क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जो होगा पूरे में जो होगा आपका कॉमन क्या होगा के हो जाएगा, पूरे में आपका कॉमन क्या हो जाएगा के हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं के कॉमन होगा क्या होगा यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये आ जाएगा के पूरा कट जाएगा ये। तो ये आपका क्या आ गया पैरामीटर इसका क्या आ गया, इसका पैरामीटर जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, इसका पैरामीटर आ गया कितना के। ठीक है, आप देख लीजिए के आ गया, के किसका इक्वल है देख लीजिए आप, ये पूरा का इक्वल है। तो इसका मतलब आपका क्या लिख दें फ्रॉम इक्वेशन, यानी यहाँ पे इसको लिख देते हैं एक लाइन, ये इसको लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, क्या कितना आ गया इसका वैल्यू के, तो ये इक्वेशन हम लोग टू लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो प्रूव हो गया हम लोग का। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो क्या आ जाएगा आपका ए बाई पी इक्वल्स टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू सी बाई आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर। ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन आपको भी सिखाएंगे, ये रिजल्ट जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है समझिए इसको, और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हम डिस्कस भी करेंगे आपको। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन हम बताते हैं इसका एप्लीकेशन के लिए आपको बताते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी वन ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके, सो द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, एक 32 दिया हुआ और एक कितना दिया 24 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से एक साइड का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा इसमें। तो आप देखिए सबसे पहला एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, कौन सा ट्रायंगल है ये ए बी सी है, मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, पी होगा क्यू होगा ये आर होगा। ठीक है, आप समझिए सबका डाटा कितना दिया, सारा साइड का पैरामीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ आप 30। यहाँ पे इसको ए लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको बी लिखते हैं, यहाँ पे इसको सी लिख लेते हैं, इसको पी इसको क्यू इसको आर। अब यहाँ पे द लेंथ ऑफ ए बी निकालना, पी क्यू कितना दिया हुआ देख लीजिए, पी क्यू इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको सी को फाइंड करना है। ठीक है, सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको याद हो कि ट्रायंगल जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो आपको एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा, आपको तुरंत बताए थे अभी, ए बाई पी
इक्वल्स टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू सी बाई आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। तो सबसे पहले एक हम लोग को निकालना क्या है, देख लीजिए आप किसका वैल्यू दिया हुआ है, सी का, सॉरी आर का दिया हुआ है। हम लोग को निकालना कौन सा, ए बी का निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, आर का निकालना है हमको, सी निकालना है। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, सी बाय आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्या है बताइए, सी सी इक्वल्स टू कितना है निकालना है इसको, आर इक्वल्स टू कितना है 12 है, और इसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है, इसका पहला कट दिया हुआ है 32 बाई 24। इसको आप कटा दीजिए, 2 टाइम में कटेगा ये, ठीक है, ये आपका 16 टाइम में कटेगा। सो सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 16 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लें आपका, ताकि आपको जो है, हाँ ये आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।